हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टुडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटर्स, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $7.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैरचेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो, द बैंड्स होम सिटी विनीपेग, कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटर्स, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $7.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैरचेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो, द बैंड्स होम सिटी विनीपेग, कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos,
स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिट बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी। विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैंपियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्योरिंटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी। विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैंपियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्योरिंटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए
कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपेयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country, Canada, language, English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Merchett, Molly Parker and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg, Calgary, and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-orama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renewed curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country, Canada, language, English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Merchett, Molly Parker and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg, Calgary and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-orama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the
ऑफ वेट कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कैनेडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस रिटन बाय पॉल ग्रॉस जॉन ग्रिजेंक पॉल क्यूरिंगटन प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटर्स स्टारिंग पॉल ग्रॉस कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज कैरी मैरचेट मॉली पार्कर पॉली शैनन सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट एडिटेड बाय सुज़ान मैगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस रिलीज डेट March 8, 2002 रनिंग टाइम 102 मिनट्स कंट्री कनाडा लैंग्वेज इंग्लिश बजट $7.5 million बॉक्स ऑफिस $4.2 million द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज गैरी मैरचेट मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिनोरामा शॉट थैंक्स गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो हेलो फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टुडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स सो लेट्स स्टार्ट मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कैनेडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस रिटन बाय पॉल ग्रॉस जॉन ग्रिजेंक पॉल क्यूरिंगटन प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटर्स स्टारिंग पॉल ग्रॉस कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज कैरी मैरचेट मॉली पार्कर पॉली शैनन सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट एडिटेड बाय सुज़ान मैगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस रिलीज डेट March 8, 2002 रनिंग टाइम 102 मिनट्स कंट्री कनाडा लैंग्वेज इंग्लिश बजट $7.5 million बॉक्स ऑफिस $4.2 million द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज गैरी मैरचेट मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिनोरामा शॉट थैंक्स गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो हेलो फ्रेंड्स आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टुडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स सो लेट्स स्टार्ट मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कैनेडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस रिटन बाय पॉल ग्रॉस जॉन ग्रिजेंक पॉल क्यूरिंगटन प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटर्स स्टारिंग पॉल ग्रॉस कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज कैरी मैरचेट मॉली पार्कर पॉली शैनन सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट एडिटेड बाय सुज़ान मैगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस रिलीज डेट March 8, 2002 रनिंग टाइम 102 मिनट्स कंट्री
कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज लेस्ली नेल्सन पीटर ऑल्डरब्रिज गैरी मेजेट मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg. Carter and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg, Carter and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing
his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling, the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling, the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling, the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John
ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिज बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी। विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैंपियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिज बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी। विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैंपियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिज बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द
Tragically, he make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling, the off-beat comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Currington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Merchett, Molly Parker and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling, the off-beat comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Currington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Merchett, Molly Parker and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered
on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grishenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon, cinematography Tom Beast, best edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grishenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon, cinematography Tom Beast, best edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grishenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon, cinematography Tom Beast, best edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002,
रनिंग टाइम 102 मिनट्स, कंट्री कनाडा, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $7.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन. द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर ऑल्डरब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन, मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी. विनीपेग कॉलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर ऑल्डरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शेरन. सिनेमाटोग्राफी थॉम बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स, कंट्री कनाडा, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $7.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन. द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर ऑल्डरब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन, मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी. विनीपेग कॉलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर ऑल्डरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शेरन. सिनेमाटोग्राफी थॉम बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स, कंट्री कनाडा, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $7.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन. द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर ऑल्डरब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन, मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी. विनीपेग कॉलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन
also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach.
directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically. Tragically Hip make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg, Carter, and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spinorama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg, Carter, and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spinorama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet,
मॉली पार्कर एंड पॉल शेरन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस रिटन बाई पॉल ग्रॉस जॉन ग्रिजेंक पॉल क्योरिंगटन प्रोड्यूस्ड बाई रॉबर्ट लैंटस स्टारिंग पॉल ग्रॉस कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज कैरी मैरचेट मॉली पार्कर पॉली शेरन. सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट एडिट बाय सुजान मैगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज गैरी मैरचेट मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस रिटन बाई पॉल ग्रॉस जॉन ग्रिजेंक पॉल क्योरिंगटन प्रोड्यूस्ड बाई रॉबर्ट लैंटस स्टारिंग पॉल ग्रॉस कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज कैरी मैरचेट मॉली पार्कर पॉली शेरन. सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट एडिट बाय सुजान मैगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस लेस्ली नेल्सन पीटर आउटरब्रिज गैरी मैरचेट मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स.
सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिट बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट March 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो, द बैंड्स होम सिटी विनीपेग, कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैम्पियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपेयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिट बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस। रिलीज डेट March 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो, द बैंड्स होम सिटी विनीपेग, कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैम्पियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपेयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज,
कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शेरन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिट बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एजेंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटर ब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी। विनीपेग कॉलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपेयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्योरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शेरन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एजेंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी। विनीपेग कॉलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपेयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच। डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्योरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शेरन। सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एजेंस एटलांटिस। रिलीज डेट मार्च 8, 2002। रनिंग टाइम 102 मिनट्स। कंट्री कनाडा। लैंग्वेज इंग्लिश। बजट $7.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन। मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन
ओंटारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे दे विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस, रिटन बाई पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्योरिंटन, प्रोड्यूस्ड बाई रॉबर्ट लेंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन. मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे दे विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्योरिंटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लेंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन. मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे दे विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड
कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कैनेडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैरचेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन. मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कैनेडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैरचेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन. मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कैनेडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैरचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमेटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट, एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million.
बॉक्स ऑफिस 4.2 मिलियन डॉलर। द कास्ट आल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज लेस्ली नेल्सन पीटर ऑल्डरब्रिज गैरी मेजेट मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिनोरामा शॉट। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट टूडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाई पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वीट। कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Praise, Leslie Nelson, Peter Alderbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg, Calgary, and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spinorama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Praise, Leslie Nelson, Peter Alderbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg, Calgary, and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spinorama shot.
थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टुडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट. एडिज बाय सुजान मैगी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन. मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो, द बैंड्स होम सिटी विनीपेग, कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टुडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन, प्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट लैंटस, स्टारिंग पॉल ग्रॉस, कॉनर प्राइस, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, कैरी मैचेट, मॉली पार्कर, पॉली शैनन. सिनेमाटोग्राफी थॉम बीस्ट बेस्ट. एडिज बाय सुजान मैगी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस. रिलीज डेट March 8, 2002. रनिंग टाइम 102 मिनट्स. कंट्री कनाडा. लैंग्वेज इंग्लिश. बजट $7.5 million. बॉक्स ऑफिस $4.2 million. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइज, लेस्ली नेल्सन, पीटर आउटरब्रिज, गैरी मैजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शैनन. मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपीयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो, द बैंड्स होम सिटी विनीपेग, कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन आल्सो मेड ए कैमियो अपीयरेंस थ्रोइंग हिज ट्रेडमार्क स्पिन ओरामा शॉट. थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू ऑल दैट टुडे वी विल रिव्यू द मूवी मैन विद ब्रूम्स. सो लेट्स स्टार्ट. मैन विद ब्रूम्स इज ए 2002 कनाडियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, सेंटर्ड ऑन द स्पोर्ट ऑफ कर्लिंग द ऑफ वेट. कॉमेडी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए रेन्यूटेड कर्लिंग टीम फ्रॉम ए स्मॉल कनाडियन टाउन एज दे वर्क थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लाइफ इशूज एंड स्ट्रगल टू विन द चैम्पियनशिप फॉर द सेक ऑफ देयर लेट कोच. डायरेक्टेड बाय पॉल ग्रॉस, रिटन बाय पॉल ग्रॉस, जॉन ग्रिजेंक, पॉल क्यूरिंगटन,
Acton, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spinorama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of culling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spinorama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of culling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The
Basically, Hip make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grzenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon, cinematography Tom Beast, best edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the off-wheat. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grzenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon, cinematography Tom Beast, best edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker, and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered
on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Merchett, Molly Parker, and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis. Release date March 8, 2002. Running time 102 minutes. Country Canada. Language English. Budget $7.5 million. Box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Merchett, Molly Parker, and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg Carter and three-time Brier champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of wheat. Comedy tells the story of a renovated curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Beast Best,
एडिटेड बाय सुजान मैगी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलियंस एटलांटिस, रिलीज डेट मार्च 8, 2002, रनिंग टाइम 102 मिनट्स, कंट्री कनाडा, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $7.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $4.2 मिलियन. द कास्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉनर प्राइस प्रेज, लेस्ली नेल्सन, पीटर ऑल्डरब्रिज, गैरी मेजेट, मॉली पार्कर एंड पॉली शेरन, मेंबर्स ऑफ द कनाडियन रॉक बैंड द ट्रेजिकली हिट मेक ए कैमियो अपेयरेंस इन द फिल्म एज ए कंपेटिंग रिंक रिप्रेजेंटिंग किंगस्टन ऑन्टारियो द बैंड्स होम सिटी विनीपेग कलर एंड थ्री टाइम ब्रेयर चैंपियन जेफ स्टॉकटन also made a cameo appearance throwing his trademark spin-orama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of weight. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grishenk, Paul Currington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg, Carter and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-orama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling the of weight. Comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their lead coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grishenk, Paul Currington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Susan Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Sharon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city, Winnipeg,
Carter and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video. Hello friends, I want to tell you all that today we will review the movie Man with Brooms. So let's start. Man with Brooms is a 2002 Canadian romantic comedy film starring and directed by Paul Gross, centered on the sport of curling, the off-beat comedy tells the story of a renowned curling team from a small Canadian town as they work through their respective life issues and struggle to win the championship for the sake of their late coach. Directed by Paul Gross, written by Paul Gross, John Grisenk, Paul Quarrington, produced by Robert Lantos, starring Paul Gross, Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Carrie Merchett, Molly Parker, Polly Shannon. Cinematography Tom Best, edited by Suzanne Maggie, distributed by Aliens Atlantis, release date March 8, 2002, running time 102 minutes, country Canada, language English, budget $7.5 million, box office $4.2 million. The cast also includes Connor Price, Leslie Nielsen, Peter Outerbridge, Gary Majet, Molly Parker and Polly Shannon, members of the Canadian rock band The Tragically Hip, make a cameo appearance in the film as a competing rink representing Kingston, Ontario, the band's home city. Winnipeg, Carter and three-time Brewer champion Jeff Stockton also made a cameo appearance throwing his trademark spin-o-rama shot. Thanks guys, thank you for watching video.